और वहीं कोरोना संकट के बीच मथुरा में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 6 श्रमिकों और चालक की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक देर रात मथुरा जिले में भरतपुर मार्ग पर उमरी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 7 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मारे गए 6 मजदूर मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले थे। मृतकों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी लॉकडाउन के कारण मथुरा में फंसे हुए थे। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। हालांकि पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है। गाड़ी के नंबर से मालिक का पता लगाया जा रहा है। तो आगे को ही पहुंचे थे कि एक आगे से मेटाडोर जो तरबूजों से भरी हुई थी वो इतनी स्पीड से आई कि वो अपने को संभाल नहीं पाया और सीधा उसने टेम्पो में पूरा भरतपुर हाईवे में एक ऑटो और ट्रक में टक्कर हुई, जिसमें मौके पर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और हॉस्पिटल में ऑटो चालक सहित अन्य 5 लोगों की मृत्यु हुई। कुल 7 लोगों की इस घटना में मृत्यु हो चुकी है और 2 घायल हैं। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, वेचना प्रचलित है और घायलों को उपचार किया जा रहा है। अधिक जानकारी के जयप्रकाश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या ट्रक चालक का कुछ पता चल पाया है और क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है अभी? बता दूं कि इस मामले में अभी तक ट्रक ड्राइवर को किसी प्रकार से पता नहीं चला है, वो फरार होने में कामयाब रहा है। और जो मृतक लोग हुए हैं, जिनमें से 6 लोग MP छतरपुर रहने वाले थे और एक जो ऑटो चालक था उसकी मृत्यु हुई है, उन सभी बॉडियों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। बाकी विशेष जानकारी अभी ली जा रही है कि कहां कैसे क्या रहा। ये लोग जो छतरपुर के MP के रहने वाले थे, ये लोग यहां पर मजदूरी करने आए थे, जो लॉकडाउन की वजह से यहां पर फंस गए थे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।